ये चीज़ देख रहे हो आप, ये चीज़ हम आगरा में करने वाले थे। ये जो डिसाइड हो रहा है मेन्यू मंगा के खाना क्या खाना है, आगरा में होता है ये काम, लेकिन अभी हम सीपी में कर रहे हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। पहली बात, जो लड़का लड़की डेट पे जाते हैं ना उन्हीं के लिए बता रहा हूँ, अब ध्यान से सुनना। पहली बात ये है, अगर लड़की ने बुलाया है ना तो बिल पे करेगी लड़की, ठीक है, और अगर लड़के ने बुलाया है तो बिल पे करेगा लड़का, ठीक है। ये जाके ऑकवर्ड मोमेंट जो होते हैं ना उनके लिए बता रहा हूँ, ताकि ना हो, ठीक है। दूसरी चीज़, मेन्यू का मतलब होता है मी एंड यू, नॉट ओनली मी, ठीक है। मेरे पास कार्ड ऐसा मतलब ये नहीं खर्चा हो जाएगा उसी से। तो कुछ लोग जो नए नए पढ़े हैं ना इन चीज़ों में, उनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़, इंडियन कॉफ़ी हाउस आओ, इंडियन कॉफ़ी हाउस आओगे ना तो एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे तुम्हारी जेब के हिसाब से बहुत अच्छी, मतलब डिसेंट प्राइस में अच्छा अच्छा खाना पीना मिलता है। और सबसे पुराना है कनॉट प्लेस, बोल रहे हैं काटने के लिए, काटने के लिए जो भी तूने आउट ऑफ सब डलेगा। मयंक जी आपको मम्मी का समय, आपको सब डालना, डाल दियो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता जैसे ये बता रहा है। अगर आपके सामने जो आपका साथी, अगर वो आपको समझता है और जानता है तो आपका एक रुपया भी खर्चा नहीं करता। वैसे सबकी अपनी अपनी सोच है, छोड़ो इस बात, जो मैंने बोल बताया ना, गौर करना उस बात, वो सच बात है भाई। वही अब बता क्या है, लड़की कहती है, काटने की बात कर रहा है, लड़की कहती है यू गाइस कैन स्टिक टू वन बार्बर बट नॉट वन गर्ल, लड़का कहता है मैडम वो बता के काटता है। वाओ वाओ, ही इज स्पीकिंग इन इंग्लिश, बट दिस बंदा, दिस बंदा आएगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट में पोस्ट किया इसने, बट दिस बंदे की इंग्लिश इज वेरी फार, वेरी फार, वेरी पुअर, वेरी पुअर, मेरे अपने ऑफिसर को भेजा।